हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टेक हबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हो लेकिन आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहते, वहाँ की मोटी फीस नहीं देना चाहते, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको यहाँ पे 6 मंथ्स का कोर्स जो टाइपिंग इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है, मैं आपको सिर्फ 10 दिन में करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 दिन में। शर्त ये है कि हर रोज़ मैं आपको जो एक्सरसाइज दूंगा, जिस तरह से जिन कीज़ की प्रैक्टिस मैं आपको करने को बोलूँगा, जितने घंटे बोलूँगा आपको उतना ही करना है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसकी स्क्रीन जो है ना, वो आप फुल मोड पे कर लो, ताकि आपको सारे कीज़ साफ साफ और बड़े दिखाई दें और मेरी उंगलियों का दोस्तों जो मूवमेंट है वो भी आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आप अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो आप फुल स्क्रीन कर लो, ठीक है। अब दोस्तों, टाइपिंग सीखने से पहले हमें कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो आप चाहो तो इन्हें नोट भी कर सकते हो, एक डायरी में आप चाहो तो इन्हें नोट भी कर सकते हो। दोस्तों, अभी जहाँ पर ये मेरी उंगली चल रही है, इस लाइन पे, इसे हम कहते हैं होम रो, HOME, होम, ROW, रो। रो का मतलब क्या होता है? रेखा या पंक्ति या लाइन भी आप इसको बोल सकते हो। अब इसे हम होम रो कहते क्यों हैं? दोस्तों, रेस्टिंग पोजीशन पे हम जब कोई भी की टाइप नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ इस पोजीशन पे रहता है। हमें कहीं भी कोई भी की प्रेस करनी हो, हम प्रेस करने के बाद यहीं पर चले आते हैं। वापस आ गए, ठीक है। जैसे हमें किसी भी काम से कहीं बाहर जाना हो, वो काम करने के बाद हम अपने घर वापस चले आते हैं, इसीलिए इसे हम होम रो कहते हैं, ठीक है। अब होम रो के जो ऊपर की जो लाइन है, जहां अभी मेरी उंगली चल रही है, देख रहे हो ना आप, तो इसे हम कहते हैं अपर रो, यानी कि ऊपर की पंक्ति या रेखा या लाइन, क्योंकि होम के ऊपर है तो ऊपर की लाइन। ऐसे ही होम रो के नीचे जो लाइन है, इसे हम कहते हैं बॉटम रो या डाउन रो, क्योंकि होम के नीचे है तो डाउन रो या बॉटम रो। इतनी बात क्लियर है? होम रो, अपर रो, बॉटम रो, ठीक है। अब आप यहां पे देख पा रहे हो, 0 से लेकर के 9876543211, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं तो उसी से इसका नाम भी क्या है? नंबर रो। इतनी बात क्लियर है अभी तक? जहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। सबसे लंबी वाली की स्पेस बार होती है, दो शिफ्ट की हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। दो क्यों हैं, इनका यूज़ कहाँ पे कैसे होता है, मैं आपको जब इसकी बारी आएगी तो बताऊँगा। एक कैप्स लॉक की, टैब की, टिल्डे की, इसको हम बोलते हैं टिल्डे, TILDE, आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। टिल्डे की काम कहाँ पे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये हमारी होती है जहाँ पे लिखा हुआ है ESC, इसका मतलब होता है एस्केप, यानी कि बाहर निकल जाना। इन सब का यूज़ मैं आपको आगे वाले जो क्लास आएंगे उनमें होगा। अभी मैं आपको आज बताने वाला हूँ होम रो पे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको टाइपिंग सीखना है तो आपको हर क्लास पूरा का पूरा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आपको बार बार देखना है। कि टाइपिंग मैं आपको सिर्फ 10 दिन में सिखाऊंगा तो जाहिर सी बात है आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कर लोगे मैं जानता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने हाथों की। ये 4 उंगलियाँ, एक अंगूठा, ये 4 उंगलियां, एक अंगूठा। लेकिन मैं आपको बता दूं, टाइपिंग में ये 4 उंगलियां यूज होंगी, ये 4 उंगलियां भी यूज होंगी, लेकिन इन दोनों में से आपका एक अंगूठा ही यूज होगा। अच्छा, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका कौन सा अंगूठा यूज होने वाला है? जैसे मैं राइटी हूं, मैं सारे काम अपने राइट हैंड से करता हूं, तो मैं अपने राइट हैंड के थंब का यूज करूंगा। अगर कोई व्यक्ति लेफ्टी है, वो सारे काम अपने लेफ्ट हैंड से करता है, तो वो लेफ्ट हैंड का अंगूठा यूज़ करेगा। क्लियर है? अब मैं राइटिंग हूँ तो मैं राइट हैंड के थंब का यूज़ करूँगा। कहाँ होता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख लो, ASDF,
ASDF, क्लियर है? ये चारों उंगलियां इन कीज पर हम रखेंगे। अगला स्टेप सेमी कॉलन, ये आप की देख रहे हो ना, यहां से हमें रखना शुरू करना है। सेमी कॉलन एल के जे, ठीक है, एक बार फिर देख लो आप, सेमी कॉलन एल के जे। अच्छा, अब मैंने आपको जो अभी बताया कि हम, अगर मैं राइटी हूं तो मैं राइट हैंड के थंब का यूज करूंगा, कहां पर? स्पेस बार पर। आप देख रहे हो ना, इसकी जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली स्पेस बार पे ही आ रही है, ठीक है? तो मैं इस अंगूठे से ही आपको स्पेस बार प्रेस करना है हमेशा के लिए, ठीक है? अगर कोई लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड के थंब का यूज करेगा स्पेस बार को प्रेस करने के लिए, मैं राइट हूं तो मैं इस थंब का यूज करूंगा, क्लियर है? तो ये तो दोस्तों हो गई आपकी पोजिशन की बात, आपको क्या प्रेस करना है, कैसे प्रेस करना है ये हम जानेंगे। तो आपको क्रम याद रखना है, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस। अच्छा, ये तो हो गई क्रम की बात, अब क्रम से क्या बनेगा? ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। ये काम करना है आपको डे वन में। दोस्तों कम से कम आपको लगातार 3 घंटे, या अगर आप लगातार नहीं कर पाते हो तो हर आधे घंटे बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब होता क्या है, शुरुआत में हमारे हाथ की ये उंगलियां तो बहुत अच्छे से प्रेस होती हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों उंगलियों में दोस्तों क्या होता है कि हम प्रेस करना चाहते हैं ये प्रेस हो जाती है, ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने सीखी थी सन 2012 में, तो मुझे भी ये दिक्कत आई थी। तो मुझको पहले लगा कि यार मेरे हाथ में कोई दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन उंगलियों का दोस्तों जो यूज़ है वो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी कम करते हैं, और ख़ासकर माइक्रो मूवमेंट्स में इनका यूज़ बहुत कम होता है, इसलिए इनकी जो मूवेबिलिटी है वो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपका जो है लग जाता है। तो इसको आप घबराएगा मत कि मेरी, मैं प्रेस करना चाहता हूँ एस, प्रेस हो जा रहा है ए, तो आप डर जाओ कि नहीं तो ये तो यार कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसे यहाँ पर भी होता है, सेमी कॉलन हम प्रेस करना चाहते हैं लेकिन प्रेस क्या हो जाता है एल, तो उससे आप डरना मत, ये धीरे धीरे आपकी चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है? एक बार हम फिर देख लेते हैं, होम रो, अपर रो, बॉटम रो, नंबर रो, स्पेस बार, 2 शिफ्ट की, टैब, टिल्डे की और एस्केप की, ई एस सी ए पी ई। फिर देखते हैं एक बार, क्रम क्या है, ये चार उंगलियां कौन सा थंब यूज करेंगे? अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड का थंब, लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड का थंब, किस की पे? स्पेस बार पे। क्या पोजीशन है? ए एस डी एफ, इधर से सेमी कॉलन, देख लीजिए यहां पे ये जो होता है ना अर्धविराम, इसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, सेमी कॉलन एल के जे, ये अंगूठा स्पेस बार पे रहेगा। शुरू करेंगे इधर से, ऐसे चलेंगे इस तरह से, स्पेस बार और फिर इस तरह से, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे, ठीक है? अब मैं आपको एक टिप देता हूँ दोस्तों, कि जैसे ही आप ए एस डी एफ पे पहुँचोगे, एफ को आप जैसे ही दोस्तों प्रेस करोगे, तुरंत आपको स्पेस बार प्रेस कर देना है, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। स्पेस बार प्रेस करने में आपको ज़रा से भी देरी दोस्तों नहीं करनी है, इससे क्या होता है, इससे आपकी स्पीड जो है ना वो शुरुआत से ही आपकी आदत बन जाएगी, स्पीड में स्पेस बार का यूज़ करना।
ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट दोस्तों नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट लिखना, मैं उसका उत्तर देने के दोस्तों पूरा पूरा प्रयास करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी के कमेंट्स का दोस्तों आंसर दे सकूँ। बाकी आप मुझ पर भरोसा रखो, 10 दिन में मैं आपको दोस्तों टाइपिंग सिखा दूंगा और आपके 20-25 की स्पीड भी दोस्तों आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट तक की स्पीड तक मैं आपको गाइड करता रहूँगा। स्पीड के लिए आगे और सीरीज आएगी। अभी मैं आपको सिर्फ टाइपिंग कैसे करते हैं, कैसे उंगलियों की शिफ्टिंग होती है और किस तरह से हम उंगलियों का मूवमेंट करते हैं वो मैं आपको दोस्तों सब बताऊँगा, ठीक है। जैसे आप जब सीख जाओगे तो आप आराम से माई नेम इज़ विरल मिश्रा इस तरह से आप इतनी जल्दी दोस्तों टाइप कर पाओगे। एंड वॉट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह की स्पीड दोस्तों आपकी आ जाएगी। बस क्या शर्त है कि जो जो काम दोस्तों आपको देता हूँ हर रोज आपको एज इट इज करना है। उसमें अपने मन से कोई भी चीज़ दोस्तों उसमें ऐड नहीं करनी है। अब ये नहीं है कि आप यूं कर रहे हो ASDFLKJ, कुछ लोग ये दोस्तों ये भी करते हैं, तो ये नहीं करना है। जो मैं कहूँ जैसे कहूँ दोस्तों वैसे ही आपको करना है। कोई डाउट है तो आप उसे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।